इस कड़ी में पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं श्री महेश कुमार गुप्ता जी। पूरे स्वर में ये नए प्रतिभावान आज शीर्ष शामिल हो रहे हैं और इनके जज्बे को देखते हुए कि उतने ही समर्पण भाव से इसकी सेवा करेंगे। हिसाब से वो नाम रखा गया था और मुश्किल से 1.5% टेस्ट की जो कम डिफरेंस था उसमें इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। भैया दीजिए, भैया थोड़ा सामने करवा दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए, साइड से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कौन है भाई, थोड़ा झुक जा। अरे भाई ठीक बैठ जा भाई, भैया थोड़ा झुक के है। अरे भाई बैठ जाओ, कहाँ जान दिए हो। और ये जितने भी अभ्यर्थी हैं कम्फर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कर्मों से देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं कि उत्तर प्रदेश 1 करोड़ की। अरे भाई ओ बजाओ भाई। और आपके साथ हैं श्री दीपक भारद्वाज जी भी। सैमसंग इंडिया पूरे विश्व की जानी मानी कोरियन कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश। और हमारे जो अतिथिगण उनसे अनुरोध करेंगे कि वो जरूर जोरदार ताली बजाएं। 9,000 करोड़ रुपए का निवेश जिसमें 21,000 लोगों को रोजगार। और अब हम आमंत्रित करेंगे श्री अरविंद पाठक जी, सीईओ रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रायबरेली। श्री अरविंद पाठक, सीईओ रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रायबरेली। और साथ ही साथ जो तीसरा प्रोजेक्ट है रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ रोजर, उसके लिए भी लेटर ऑफ कंफर्ट माननीय मुख्यमंत्री सिंह जी से अरविंद पाठक जी। श्रीनाथ सरूर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री सीमेंट लिमिटेड बुलंदशहर। श्रीनाथ सरू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री सीमेंट लिमिटेड बुलंदशहर 575 करोड़ रुपए की कुल लागत की एक ग्रीन फील्ड भवन निर्माण के उत्पादन बढ़ाने वाली कंपनी उत्पाद की। श्री अजय मिश्रा जी चीफ टेक्निकल ऑफिसर एंडोकल फर्टिलाइजर लिमिटेड आदित्य बिरला, ये ग्रुप है उसकी एक इकाई है एंडोकल फर्टिलाइजर। श्री अजय मिश्रा चीफ टेक्निकल ऑफिसर। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और एग्रोफील्ड, इन सभी क्षेत्र में ये आज निवेश हो रहा है जिसका लेटर ऑफ कंफर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी इन निवेशकों को अपने घर कमरों से दे रहे हैं। पसवारा पेपर्स लिमिटेड मेरठ।
पसवारा पेपर्स लिमिटेड श्री अरविंद अग्रवाल जी डायरेक्टर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश में जहां रोजगार लगातार सृजन हो रहा है एक खुशहाल उत्तर प्रदेश के टूटने श्री अक्षय कुछ तकनीकी की हो इलेक्ट्रॉनिक्स और श्री नवनी जिंदल एमडी गैलेट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का सपना साकार होता हुआ जब प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से बड़े बड़े औद्योगिक समूह उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं निवेश के लिए Not only will be manufacturing from our plant. Our plant is a state-of-the-art manufacturing facility which will handle about close to 11 lakh liters of, you know, ghee, herb-flavored ghee, oregano ghee, Italian spice ghee, so things like that. So, is that enough? To 20,000 people. Mantri ji, Mantri Raja Arjun Singh ji, Sabhi Mantri Gan, Hamare saath sarkar mein upasthit Sabhi Adhikari Gan, यहाँ पर जिनको आज लेटर ऑफ कंफर्ट दिया सभी उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में सभी पत्रकार साथी मैं सबसे पहले जितने भी आज मुझे मौका मिला है लेटर ऑफ कंफर्ट देने का जिसमें कि सैमसंग रिलायंस के सीमेंट प्लांट श्री सीमेंट इंडोगर फर्टिलाइजर मेरठ का सॉरी केके मिल्क गैलेंट इस्पात इन सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ साथ ही साथ मैं स्वागत भी करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार कोशिश रही करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग आपको मिले जिस तरह सरकार बनने के बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई मैं समझता हूं उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से उत्तर प्रदेश में एक रास्ता खुला और आप लोगों ने निवेश करने का फैसला लिया और निवेश करने का काम शुरू किया मैं आपको बधाई देता हूं और जहां खेती में काम हो रहा है किसानों के लिए मदद हो रही यह सरकार अलग अलग क्षेत्रों में लगातार प्रयासरत है और कई जगह बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं लेकिन बिना किसानों के और बिना इंडस्ट्री के मैं समझता हूं प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकता और ये शुरुआत की है समाजवादी लोगों ने मुझे खुशी है कि और अभी एक वक्ता ने कहा कि मेक इन इंडिया मैंने कई मौकों पर कहा कि मेक इन इंडिया नारा तब सार्थक होगा जब मेक इन यूपी भी शुरू हो जाए चीजें और उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि शुरुआत आपने की है हालांकि हमारे के मिल्क के जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्होंने कुछ नाम तो लिए हैं क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और मैंने प्रोडक्ट इसलिए कहा कि सीधा सीधा गांव की आर्थिक लाभ सीधा अगर कोई पहुंचा रहा है तो मैं समझता हूं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की बिजनेस पहुंचा रही जहां 11 लाख लीटर इकट्ठा कर रहा हूं हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में और भी कई लोग आ रहे हैं अमूल भी आ रहा है पराग भी कोशिश कर रहा हूं बेहतर करें लेकिन ये तो केवल दूध के प्रोडक्ट में ले पूछे और बताए उन्होंने लेकिन अगर सैमसंग के प्रोडक्ट के बारे में पूछता तो यहाँ पत्रकार साथी जितने लोग बैठे हैं किसी न किसी के हाथ में प्रोडक्ट जरूर रहता वो लेकिन मेक इन नोएडा और मेक इन यूपी वाला ही मुद्दा कई बार ये भी है हम लोगों को देखने को मौका मिला है कि सब कारोबार काम उत्तर प्रदेश में है नोएडा में है लेकिन जब कभी उनका विजिटिंग कार्ड मिलता है तो लिखा जाता है कि नोएडा एनसीआर दिल्ली उत्तर प्रदेश उसमें है ही नहीं
आबादी के हिसाब से मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और दुनिया में भी मैं समझता हूं बहुत ऊपर के स्थान पर आबादी के हिसाब से है। यहां आबादी इतनी होगी, बाजार इतना बड़ा होगा और अगर पॉलिसी अच्छी हो, सरकार की तरफ से मदद हो और जिस तरीके से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, हमारे यहां जितने भी उद्योगपति या उनके प्रतिनिधि बैठे हैं वो जानते होंगे कि जहां कहीं भी सड़कें बन गई हैं या पानी का इंतजाम हो गया, बिजली का बेहतर इंतजाम हो गया, वहां पर उद्योग कारखाने अपने आप चले आए। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी तरक्की होगी, कितना आसपास खुशहाली आएगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को तेज किस्से और रफ्तार से अगर ग्रोथ की तरफ कोई लेके जाएगा तो ये एक्सप्रेस वे है और हमारी कोशिश होगी जो लखनऊ से आगे बढ़िया करने की जाए, क्योंकि जहां जहां सड़कें बन गई, जहां जहां रफ्तार पे बदल गई और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकॉनमी, अगर हम रफ्तार बढ़ा दें, कामकाज की रफ्तार बढ़ा दें तो अपने आप हमारे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी बदल गई। मैं इस मौके पर स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं उन 6 बच्चों को और साथ ही साथ जो आज पुलिस की भर्ती में कामयाब हुए। मैं इन लोगों को इसलिए बुलाया कि ये टॉपर हैं, तीनों बच्चे टॉप किए हैं, लड़कियों में भी टॉप किया, उनको मैंने बुलाया। एक कठिन परीक्षा लिखित और एक कठिन परीक्षा जो उन्होंने फिजिकल पास करके आज सामने बैठे, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले लोग, मैं उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस मेहनत से, जिस परिश्रम से आपने पास किया है, उसी ईमानदारी से, उसी भरोसे के साथ आप काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में गरीब से गरीब को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जहां तक हमारे विरोधी लोग हैं, क्योंकि कई बार हमें विधानसभा में जवाब देना पड़ता है बहुत सी चीजों का, और जैसा मैंने कई बार कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के अस्पताल ठीक हो रहे हैं, एम्बुलेंस से मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं, तो हमारे विपक्षी दल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं, ओपीडी बढ़ गई है। हम अगर एम्बुलेंस में ज्यादा लोगों की जान बचा लें तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। इसी तरह 109 की सुरक्षा का हम लोगों ने इंतजाम किया है, अगर उसमें हम लोगों ने मदद की है लड़कियों की, किसी ने मैसेज किया, किसी ने परेशान किया, तो आरोप ये लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में छेड़खानी ज्यादा होगी। तो हम तो मुश्किल ये है कि हम काम क्या करें, लैपटॉप दे दिया तो बोलते हैं कि लैपटॉप तो कुछ नहीं था, ये तो झुंझुना है। मैं पूछता हूं, ये लोग झुंझुना कहते थे, लैपटॉप खराब कहते थे, आखिरकार डिजिटल इंडिया के नाम पर आपने लैपटॉप किसको बांटा? किसी एक बुजुर्ग महिला को आपने लैपटॉप दिया, उम्रदार महिला को आपने लैपटॉप दिया, और वही हम लोग दे रहे थे लैपटॉप जो पढ़ने वाले हैं, जो आगे की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा फर्क है, आप जाने किसको दे रहे हैं? आप वाईफाई फ्री कर रहे हो, और अगर वाईफाई फ्री कर रहे हो तो उससे होगा क्या? आखिर कोई गार्डन की घास नहीं कटेगी, कोई दूध मिलना नहीं अपने आप नहीं चला जाएगा, उसे आखिरकार चलेगा तो लैपटॉप, चलेगा तो कंप्यूटर। कम से कम समाजवादी लोग दे रहे हैं, समाजवादियों पे आरोप है, किसान के लिए काम करें तो आरोप है। कल हालांकि पत्रकार साथियों की एक केवल नौजवान फोटो लेने के लिए खड़ा हो गया, पत्रकार साथियों की भाषा सामने आ गई। हम अगर कोई भाषा गलत इस्तेमाल कर दें तो न जाने कहां पे हमें चढ़ा दिया जाए। अभी मैं कल ही टीवी देख रहा था, कोई ये भूल गया, कहते कहते कि मुख्यमंत्री बताएं खेती के बारे में कितना जानते हैं। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं पेड़ पौधों के बारे में मुझसे मत पूछना, मुझे कितना ज्ञान है, कितना मैं जानता हूं। कम से कम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने के ग्रीन बेल्ट तैयार कर दिए, आप तो बच्चों तक पहुंच गए। छोटा सा टीवी है, उसमें बैठ करके जाने कहां से बोल रहे हो तुम थे, तो आपकी पता नहीं कहां क्या कहने लोग।